नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। मुंबई में 155 करोड़ रुपए की जमीन पर बनेगा बिहार भवन। चरक मॉड्यूल लागू करने में बिहार के ये जिले रहे टॉप 5 पर। राजधानी में बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा मुहर्रम का कोई जुलूस। डेब्यू टेस्ट विकेट लेने पर मुकेश कुमार को ऐसे मिली विराट कोहली से शाबाशी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। आज यानी कि 23 जुलाई के दिन को स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इनके जयंती पर ट्वीट कर कहा गया है कि देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके बलिदान की कहानी देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। पूर्ण स्वराज की मांग से विदेशी हुकूमत की नींव हिलाने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक को उनके जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। मुंबई में 155 करोड़ रुपए की जमीन पर बनेगा बिहार भवन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा मुंबई में लगभग 2800 वर्ग फीट क्षेत्र में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने के लिए एक एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि एक महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी और फिर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि DPR बनाने का कार्य मुंबई में चयनित स्थल के निरीक्षण के बाद किया जाएगा। इस बात की जानकारी भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि इस साल मई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई कोशिशों के बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बिहार सरकार को 60 साल की लीज पर बिहार भवन के निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपए की जमीन आवंटित की गई है। पूर्णिया कॉलेज में बन रहा दिनकर संग्रहालय। पूर्णिया कॉलेज की लाइब्रेरी में दिनकर स्मृति कक्ष का रिनोवेशन कर दिनकर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां दिनकर से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिया कॉलेज के जिस कक्ष में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रसीमरथी की रचना की थी, उस कक्ष को ही कॉलेज संग्रहालय के रूप में विकसित कर रहा है। पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कमाल खान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बेगूसराय में 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया गया है, जहां से दिनकर से जुड़ी सभी वस्तुओं को लाया जाएगा जिसे संग्रहालय में रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि दिनकर संग्रहालय की दीवारों पर दिनकर की प्रसिद्ध कविताओं की पंक्तियां लिखवाई जाएंगी और उनकी तस्वीरों को सजाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 24 जुलाई तक कर सकते हैं दावा आपत्ति। बिहार की राजधानी पटना के सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न विषय के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में इसको लेकर किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति के लिए 24 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, उनसे 17 जुलाई से 20 जुलाई तक TK घोष अकादमी अशोक राजपथ में आवेदन प्राप्त किया गया था। वहीं अब 24 जुलाई की सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक TK घोष अकादमी और अशोक राजपथ में आपत्ति ली जाएगी और उस आपत्ति के और सब मूल्यांकन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि अतिथि शिक्षकों की मेधा सूची का प्रकाशन 26 जुलाई को किया जाएगा और फिर 27 और 28 जुलाई को अंतिम मेधा सूची के संदर्भ में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जबकि 29 तक विकल्प के संदर्भ में DEO द्वारा अतिथि शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं 30 और 31 जुलाई तक संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल की मौजूदगी में अतिथि शिक्षकों को योगदान कर लेना होगा। बिहार सरकार के मंत्री का FB अकाउंट हुआ है। बिहार में साइबर क्राइम जैसे मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि अब साइबर अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आम लोगों के साथ साथ उनकी पहुंच अब मंत्री तक भी हो गई है। दरअसल नया मामला बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता से जुड़ा है, जिसमें उनके फोटो का इस्तेमाल करते हुए अपराधी के द्वारा उनके फेसबुक ID को हैक कर लिया गया और फर्जी अकाउंट बनाकर उनके परिचितों को मैसेज करते हुए अपनी मजबूरी बताकर पैसे की मांग की गई। वहीं जब इस बात की जानकारी मंत्री आलोक मेहता को मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पटना साइबर सेल में। फिलहाल साइबर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं मंत्री की ओर से अपील किया गया है कि इस प्रकार का किसी भी मैसेज में लेन देन न करे। राजधानी में बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा मुहर्रम का कोई जुलूस। बिहार की राजधानी पटना में मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं SSP राजीव मिश्रा के द्वारा बीते दिन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि मुहर्रम के दौरान और सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखा जाए तथा अफवाहों का त्वरित खंडन किया जाए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों सहित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सार्थक संवाद कायम रखने और समय से
शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को भी मुहर्रम समिति से लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपने क्षेत्र में जुलूस के मार्ग का सत्यापन करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना लाइसेंस के शहर में कोई भी जुलूस न निकल पाए। वहीं वैसे लोग जो अफवाह फैलाते हैं उनके विरुद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एक क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी गठित करने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अविलंब सार्थक कार्यवाही की जा सके। मुहर्रम के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु सिविल सर्जन पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस प्रतिनियुक्ति भी किया जाएगा और साथ ही फायर दस्ता प्रतिनियुक्त करना भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया समाप्त, एक महीने में परीक्षा। बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के पदों पर आई भर्ती के लिए बीते दिन यानी कि 22 जुलाई को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की भी तारीख खत्म हो चुकी है। वहीं अब बीपीएससी के अनुसार शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा आगामी 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच ली जाएगी। ऐसे में अब परीक्षा का एक महीने का समय बच गया है, जिसको देखते हुए गुरु रहमान के द्वारा ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है और सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में और क्वेश्चन के लिए एक नंबर माइनस नहीं होगा, बल्कि 4 नेगेटिव होने पर एक नंबर कटेगा। उनके अनुसार परीक्षा में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वहीं इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एससीईआरटी की 9वीं और 10वीं के मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश पर अपनी कमांड कर ले और इसके अलावा एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से पढ़ ले। वहीं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई किए हुए हैं वह इतना करने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट में 12वीं तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ ले। इतिहास से जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए जरूरी है कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ 9वीं और 10वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उस पर भी अपनी कमांड कर ले। इन सब के अलावा बिहार के बारे में भी अपनी ज्ञान मजबूत कर ले और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण चीजों का भी अध्ययन करे। अभ्यर्थी प्रतिदिन शिक्षक बहाली के 2 क्वेश्चन सेट जरूर सॉल्व करे। अब देश के लिए मेडल लाएगा मुजफ्फरपुर का अभ्युदय। किसी के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते में कितने भी रोड़े मिल जाएं, व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बता दें कि इस लाइन को बिहार के मुजफ्फरपुर के अभ्युदय सरन के द्वारा सच कर दिखाया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के बेहद साधारण परिवार के रहने वाले अभ्युदय सरन अपने कम हाइट के बावजूद कई उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं। वहीं अब अभ्युदय जर्मनी में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक होने वाले 8वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम 2023 में बतौर एथलीट भाग लेने वाले हैं, जहां वह 60 मीटर, 100 मीटर और 1500 मीटर की रेस में भाग लेंगे। इसके साथ ही उनका चयन डिस्कस थ्रो में भी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभ्युदय इससे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी श्रेणी में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उन्हें हाल में ही पीएम की मन की बात कार्यक्रम को बिहार के राज्यपाल के साथ बैठकर सुनने का आमंत्रण भी मिला था। मालूम हो कि जर्मनी जाने के लिए उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा आर्थिक मदद की गई है। चहक मॉड्यूल लागू करने में बिहार के ये जिले रहे टॉप 5 पर। राज्य के पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहे बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्ष बनाया जा सके, इसके लिए चहक मॉड्यूल लागू किया गया था। ऐसे में इस मॉड्यूल को लागू करने में बिहार का जो जिला सबसे टॉप 5 स्थान पर रहा है उनमें शेखपुरा, बक्सर, मुंगेर, शिवहर और किशनगंज है। बता दें कि शेखपुरा में स्कूलों की संख्या 480 है, जहां इस उपलब्धि को हासिल करने का प्रतिशत और 68% है। वहीं बक्सर के 1103 स्कूलों में 67.3%, मुंगेर के 1006 स्कूलों में 55.1%, शिवहर के 402 स्कूलों में 43.8% और किशनगंज के 1406 स्कूलों में 40% के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। वहीं जिन 5 जिलों की इस उपलब्धि को हासिल करने में सबसे खराब स्थिति रही है उनमें औरंगाबाद, लखीसराय, गया, गोपालगंज और मधुबनी जिला शामिल है। वीआईपी पूरे बिहार में मनाएगी फूलन देवी की शहादत दिवस। 25 जुलाई को विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के तरफ से पूरे बिहार में वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस मनाई जाएगी। इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर कटरा निवासी वीआईपी पार्टी के युवा प्रखंड अध्यक्ष मनीष निषाद पैदल बिहार की राजधानी पटना में स्थित श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुकेश सहनी 3 महीने का संकल्प यात्रा पर निकलेंगे और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2001 में 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी को शेर सिंह राणा नाम के जातिवादी हथियारे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार के 40 सीटों को लेकर सम्राट चौधरी का दावा। बीते दिन शनिवार को अपने सिवान दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में सभी को संबोधित करते हुए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के 40 लोकसभा सीट पर दावा करते हुए कहा गया कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह का जनमत दिख रहा है उससे यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार को बिहार एक दिन
बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार चाहे जितना भी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पटना लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की है कि वे हमें पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्डिंग का कॉपी सौंपें और एम्स के डॉक्टरों से इसकी जाँच करवाएं। शत्रुघ्न सिन्हा ने की सीएम नीतीश की तारीफ। बिहारी बाबू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की गई। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को लोग एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। उनके काम को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उन्होंने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एक छाता के नीचे लाने का काम किया है। कहा कि गठबंधन इंडिया के एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, राजद के लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यह सभी नेता एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सराहना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया को एनडीए से कोई चुनौती नहीं है। कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। बिहार में इन दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि इन्हीं चर्चाओं के बीच बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बता दें कि इनकी मुलाकात एक बंद कमरे में हुई जो कि काफी देर तक चली। ऐसे में अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव से मुलाकात की गई है और अपनी बातों को रखा गया है। मालूम हो कैबिनेट विस्तार में राजद और कांग्रेस से दो दो मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करने की बात चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होने के लिए करीब 5 दर्जन कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल्स के अनुसार भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव के खिलाफ 18 लाख के चेक बाउंस से जुड़े मामले को लेकर छपरा कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा के द्वारा जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और साथ ही उनके बंद पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का भी आदेश दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले इस मामले को लेकर कोर्ट की ओर से खेसारी लाल यादव को कई दफा हाजिर होने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण कोर्ट की ओर से कदम उठाया गया। मालूम हो कि वर्ष 2019 में 16 अगस्त को खेसारी लाल के खिलाफ रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी गांव निवासी मृत्युंजय नाथ पांडे के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से जमीन बेचने के लिए 22,07,000 रुपए में बात हुई थी और 4 जून 2019 को रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन रुपए के अवेज में खेसारी लाल यादव के द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाते में जमा किया था और फिर वह चेक 24 जून को वापस आ गया, जिसके बाद एक बार फिर से 27 जून को वह चेक जमा किया गया लेकिन चेक बाउंस हो गया। डेब्यू टेस्ट विकेट लेने पर मुकेश कुमार को ऐसे मिली विराट कोहली से शाबाशी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मुकेश कुमार के द्वारा अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल किया गया। बता दें कि उन्होंने अपनी रफ्तार भरी गेंद का शिकार किर्क मैकेंजी को बनाया। वहीं इस विकेट को लेने के बाद मुकेश कुमार को विराट कोहली से खास तरीके से शाबाशी मिली। दरअसल विराट कोहली को मुकेश के सर पर हाथ फेरते हुए उनको शाबाशी देते हुए देखा गया। मालूम हो कि टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला विकेट चटकाने के बाद मुकेश कुमार के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। उन्होंने हवा में पंच लगाते हुए अपने पहले विकेट को सेलिब्रेट किया। इस दौरान मुकेश के साथ साथ भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी भी उनके जश्न में शामिल हुए और विराट कोहली ने तेज गेंदबाज को गले से लगा लिया। बीते दिन हमारा पूछा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, गौरा देवी, अनवर करीम खान, अमित कुमार, रंजीत मिश्रा, मोटू रंगीला, कृष्णा कुमार अहमद, अमरिंद्र, मृत्युंजय कुमार, दिनेश ठाकुर, इंद्रभूषण रवि, सदुल्लाह पलवी, सौरभ कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, दयाशंकर प्रसाद सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।